हमारे लैंग्वेज में हम इसको चपटी बोलते हैं, बट पीपल से गोली अलग अलग कोई पैटिस बोलता है। 100 केजी आलू एक टाइम पे, पोटैटो स्पिनिंग, दैट इज नाइस। काफ़ी होलसम क्वांटिटी में बन रहा है, हाँ देखने में एकदम बढ़िया, ऐसे फीलिंग आ रही है कि कैफे में बैठे हुए हैं। उल्टी सीधी चीज़ें बनाने में माहिर है आप। गाइस आपको वड़ा पाव दिखा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में, उसका अंदाज पीछे चलेंगे तो पता चलेगा। आइए बिहाइंड द सीन्स चलते हैं। तो अभी ये क्या प्रोसेस चल रहा है थोड़ा आप बताएंगे? ये पोटैटो पीलिंग मशीन है। अच्छा, इसमें एक टाइम पे विद इन 2 मिनट्स आपका मोर देन 10 kg पोटैटो पीलिंग हो जाता है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप वड़ा पाव बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी इसका क्लीनिंग हो रहा है और छिलका निकल रहा है। बेसिकली ये क्लीनिंग हो रहा है, इसका छिलका निकल रहा है। हाँ। फिर इसको वॉश करके अच्छे से हम लोग इसको बॉईल करते हैं। अच्छा, तो दिस इज अ 2 मिनट प्रोसेस, ओनली 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में 10 kgs हो जाता है। हाँ। जो वेस्ट है वो नीचे आ जाता है सारा, वो अपने आप सेपरेशन मशीन करते हैं। तो आप छिलने के बाद भी हम लोग इसको एक बार अच्छे से वॉश करते हैं। अच्छा, उससे क्या फिर उसका स्टार्च भी हट जाता है थोड़ा। काफ़ी क्विक प्रोसेस है, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ एंड पूरा हो गया। तो आपका अराउंड डेली बेसिस में, मतलब मशीन है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते रहता होगा? 100 kgs आलू एक टाइम पे। अच्छा, पोटैटो स्पिनिंग। तो मॉर्निंग में बिफोर द शॉप ओपन आपका पूरा प्रोसेस रहता होगा? हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो जाता है अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock। ओके, 6:30 to 9 o'clock हमारा ये चलता है। ये प्रोसेस मेरे को काफ़ी मतलब यूनिक लगा। फॉर यू इट्स डेली बेसिस, मतलब हम लोग देख रहे हैं ना, तो एंटरटेनिंग है। फिर हम लोग इसकी ये गोली बनाते हैं, पैटिस। समवन सेज पैटिस, समवन सेज गोली। हम लोग हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग चपटी बोलते हैं। चपटी बोलते हैं, यस, बिकॉज़ हमारा थोड़ा वो प्रेस्ड रहता है, हमारा तो प्रॉपर ये राउंड नहीं, बॉल नहीं रहता वहां पे आएगा। यस, फ्राइंग के टाइम हां, वो वीडियो में अच्छा वो आएगा। वहां चलते हैं, हमारे लैंग्वेज में हम इसको चपटी बोलते हैं, बट पीपल से गोली गोली अलग अलग, कोई पैटिस बोलता है, कोई गोली बोलता है। हमारे लैंग्वेज में हम यहां पे चपटी बोलते हैं। हमारा मसाला मार्केट है, मसाला मार्केट। यस, ये थाना होलसेल मार्केट एंड मसाला मार्केट। अच्छा, थाने का थाने का मसाला होलसेल मार्केट एंड मसाला मार्केट। चूड़ा वाज लाइक ओरिजिनली अ बाय प्रोडक्ट, बट वो इतना पसंद आने लग गया लोगों को कि अभी सम पीपल जस्ट ईट चूड़ा। वो कुरकुरा लगता है, कुरकुरा रहता है। राइट राइट राइट। पाँच मिनट का नाश्ता होता है बड़ा आटा, 5 मिनट फ्राई होने में और 5 मिनट से भी कम खाने में। डन, सिकाई अच्छी हो जाए तो एकदम ड्राई रहता है। एक बटाटा खाने के लिए भी दे दो ज़रा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये पाव है और पाव का जो असली मज़ा है ना, यहाँ पे मेरे को यहाँ के ओनर है वो बता रहे हैं कि पाव को रोटी सब्जी की तरह खाओगे बटाटा के साथ तो मज़ा आएगा। ये देखो बटाटा मैंने आपके लिए अंदर स्टफिंग खोल के रखी है, कितनी खिली खिली स्टफिंग है। अभी हम लोग हैं साई वड़ा पाव सेंटर पे, थोड़ी सी चटनी को पाव के साथ खाते हैं। भूलने वाली एकदम स्मूथ सी चटनी और बटाटा का पीस जो आपने बनते हुए देखा। मुंबई में जगह जगह बटाटा अलग अंदाज में मिलते हैं। थाने की होलसेल स्पाइस मार्केट में साई वड़ा पाव का जो ये अंदाज है बनाने का, बैच में ऑटोमेटिक तरीके से एकदम टकाटक। एक्स्ट्रा स्पाइसी मिर्ची पे स्पाइस मार्केट है। कमेंट्स में बताना आपको वो सबसे बढ़िया वड़ा पाव कहाँ पे लगता है, कमेंट्स में बताओ। मैं फिलहाल इसको एंजॉय करता हूँ, बढ़िया बढ़िया सा स्मूथ सा वड़ा पाव का टेक्सचर विद स्पाइसी मिर्ची का केक। चलता हूँ थोड़े मसालों की शॉपिंग कर लेता हूँ, ख़त्म हो रखे मसाले घर में। क्या नाम है दोस्त आपका? अर्चित भाई, क्या खिलाओगे आज? बालाजी स्पेशल, बालाजी स्पेशल डोसा। तवा गर्म हो गया ना। क्या एड्रेस क्या पड़ता है इसका? घनसोली, घनसोली पड़ता है। हाँ, घनसोली में बालाजी डोसा पे हम लोग बालाजी स्पेशल डोसा ले रहे हैं। हाँ, क्या प्राइस है इसका? इसका 170। 170 सब कुछ आएगा इसमें लोडेड? हाँ, सब आएगा, सब आएगा। कांदा बड़ा, शिमला कांदा, शिमला टमाटर तो स्टैंडर्ड ही है इधर मुंबई के डोसा में। कांदा शिमला टमाटर स्टैंडर्ड रहता है, स्प्रिंग अनियन बड़ा, साथ में लाल चटनी बड़ा, बटर बड़ा, बटर बड़ा, गर्म मसाला, गर्म मसाला, नमक, नमक काफ़ी क्रेजी, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और ये चिली सॉस। अब इसका मिक्सिंग करेंगे। ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी पड़ा और अब मिक्सिंग पाव भाजी मैशर से सारा मिक्स मिक्स करेंगे।
मशरूम स्वीट कॉर्न, एक ग्रीन पीस, मटर पड़ा, स्वीट कॉर्न पड़ा, मशरूम पड़ा, सब कुछ डोसा के अंदर पड़ रहा है। नाइस। और मक्खन और पड़ा, बटर, अमूल बटर, ये चीज़ है, चीज़, बटर, वेजीज, पत्ता गोभी, सब एक ग्रेवी बन गया। अभी बन गया और बनना है, अभी बाकी है। अच्छा अभी बाकी है, बहुत अभी पकने में बाकी, बटरी पकाने का जरूर है ना, और सिकाई करनी है ना। दो आदमी आराम से खा सकते, दो आदमी आराम से पेट भरेगा ना उनका। एक्चुअली बटर देखने में ज़्यादा लग रहा है, पर इतना सिकाई भी करना है ना अभी नीचे, वरना कच्चा रह जाएगा, क्रिस्पी नहीं होगा। ये बड़ा पनीर भाई साहब, ये पाव भाजी डोसा, पाव भाजी डोसा लग रहा है। चीज़ भाई साहब, ये स्पेशल डोसा है ना, लगना चाहिए स्पेशल वाली फील आ रही है। ये एक बंदे का खाना हो गया, 4, 5, 6 और 7, मतलब ये दो बंदों का खाना हो गया, लाइक गुड फॉर टू पीपल। और गाजर वगैरह आ गया, अब आई थिंक रोल होगा, ये पाव भाजी डोसा लग रहा है, दैट इज़ नाइस, काफ़ी होलसम क्वान्टिटी में बन रहा है। बालाजी स्पेशल डोसा इज रेडी, चलो आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद बालाजी डोसा। भाई साहब इतना लोडेड डोसा बना रहे हैं, उसके अंदर एक तो इतना अमाउंट ऑफ बटर, इतना अमाउंट ऑफ चीज़, इतना अमाउंट ऑफ मिर्च, इतना अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट, इतना अमाउंट ऑफ वेजीज, इतना अमाउंट ऑफ गुडनेस। 170 रुपीज़ प्राइस है आई थिंक। सारे डोसों का मिश्रण इसके अंदर है, इनके पास बहुत सारे डोसा हैं। अभी हम लोग हैं घनसौली में, नवी मुंबई में, ट्राई कर रहे हैं फ्यूजन डोसा। ये जो ऊपर से डाला ना, ये पता नहीं म्यूनिज है या क्रीम का, हाँ म्यूनिज है वो। फिर अंदर का जो बाइट किया था तो काफ़ी चीज़ी सा टेक्सचर आ रहा था, काफ़ी सही है। ये जो फ्यूजन डोसा होते हैं, इनके साथ ना आपको चटनी की ज़रूरत होती है, ना सांभर की ज़रूरत होती है, अपने आप में ही ये बहुत बढ़िया होते हैं। वजन है 170 रुपीज़ इसका प्राइस है। एक बंदा तो सता ही ख़त्म नहीं कर सकता इसको, 2-3 लोग लगेंगे इसको खाने के लिए, और इन्जॉय करके खाएँगे घनसौली में, बालाजी डोसा में। काम है मेरे को, काम है, एक मिनट में। खुशबू आ गया, मुलेठी, गुलाब है, अच्छा चटनी है, मिक्सिंग करी सारी, उस पर सौंफ डाली, गुलकंद, बेसिकली पान का पत्ता लिया, उस पर चूना कत्था डाला, उस पर अलग अलग खुशबू डाली, उस पर ग्रोस डाला, उसके ऊपर चटनी डाली, उसके ऊपर सौंफ डाली, उसके ऊपर सिल्वर पर्ल डाले, गुलकंद डाले, चेरी डाली, अब डालेंगे इसके अंदर चॉकलेटी वाली चीज़ें डालेंगे और बहुत सारी चीज़ें डालेंगे, बट इसका जो असली खास जो इसका मज़ा है ना वो इसकी आग में, आग लगा देगा ये पान भाई साहब। ये खोपरा और टूटी फ्रूटी मिक्स डाला इसके अंदर, अब इसके अंदर चॉकलेटी आइटम्स पड़नी शुरू होगी। अभी हम लोग हैं कोपर खराने में, कोपर खराने में कहाँ पे है? करण कृपा सोसाइटी, जीपी टावर के सामने, जेपी टावर के सामने, जिमी टावर के सामने। ये बड़े वाइट चोको चिप्स, इसमें पड़ेगा चोको सिरप, नॉज ब्लैक केसर, इस पर वो, अच्छा उसको फायर पान बनाने के लिए। और ये क्या पड़ता है? ये लॉन्ग और ब्रास, लॉन्ग और ब्रास है आग लगाने के लिए, और इधर रख देंगे दाढ़ी बचा के भैया। पान का पत्ता इसमें डाला पहले, ये 5 शॉट्स बन रहा है, इसमें खोपरा डाला, 5 शॉट्स के लिए बना रहे हो आप सामान? हाँ, 5 शॉट के लिए। तो इसमें फुल पान का फ्लेवर आएगा? पान का फ्लेवर ही आएगा। क्या रुपए प्राइस है ये? 50 रुपीज़। अच्छा ये सिर्फ एक ही दिन मिलता है हफ्ते में? मिलेगा मतलब सैटरडे संडे मिल रहा है। मतलब आप 5 शॉट वैसे रेस्टोरेंट में आपने शेक, बेसिकली शेक जैसे होता है ना, शेक जैसा बनेगा ये थोड़ा सा। अब इसमें ना इसका कॉन्कॉक्शन बन रहा है, मसाला बन रहा है, अलग अलग इसके अंदर सौंफ डली है, 4-5 तो अलग अलग इसके अंदर टाइप की सौंफ डली है, फिर इसके अंदर पान के पत्तों को बेसिकली बीटल लीव्स को काट काट के डाला गया है। अब आई थिंक इसको पूरा मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर कुछ तो इसके अंदर अपना सीक्रेट चीज़ें डालेंगे और बन जाएगा। इसमें पान भी डलेगा, पान के पत्ते भी डलते हैं और फिर पूरा पान बना के भी डालते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है इसका। ये आइडिया कैसे आया आपको इस पान शॉट का? तो इसको पहले पियेंगे फिर खाएंगे, या पहले खाएंगे फिर पियेंगे? पहले खाएंगे, खाते खाते पियेंगे। लस्सी बना दी आपने इसको, उसमें दूध वगैरह काफी सारी चीजें डाली है।
चलो ठीक है, पी के देख लेंगे, सारी चीजें नहीं बताते। कुछ राज राज रहे तो बढ़िया है। पांच शॉट्स लग गए और साथ में इसमें चार पान पड़ गए। हाँ, देखने में एकदम बढ़िया, ऐसे फीलिंग आ रही है कि कैफे में बैठे हुए हैं। उल्टी सीधी चीज़ें बनाने में माहिर है आप। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसको। लाइक अच्छे, यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ है। अभी पान खाइए, पान पूरा। वापस अभी धीरे धीरे सिप कीजिए। बढ़िया आ रहा है। वो पहले लेते हो ना तो मुंह थोड़ा गीला हो जाता, थोड़ा पान का दूध के साथ फ्लेवर आता, फिर जब पान खा के फिर से लेते हो ना तो पूरा लगता है कि हाँ भाई कुछ पिया है। बहुत कमाल का जायका था नवी मुंबई में। कोशिश करते हैं कुछ आप लोगों को बढ़िया दिखाने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। भैजी भाजी बात करेंगे ऐसे ही कुछ बेहतरीन खाना खाते हुए। मुंबई की गर्दी सीजन 3 विद भैजी भाजी एवरी संडे आपके। बाय बाय।